हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे अगले 24 घंटे आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोचोगे, ठीक है? आपको एकदम हैप्पी माइंड सेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? देखते क्या कुछ निकल के आता है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आपको कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? तो देखते क्या कुछ निकल के आता है। ये हमें गाइड करे ट्रू मैसेजेस अगले 24 घंटे मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए और उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। गाइड करे हमें ट्रू मैसेजेस, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आपकी फीलिंग्स, ठीक है? पहले आपके पार्टनर का कार्ड है, वाओ, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स के नीचे एस ऑफ सोर्स है और यहाँ पे बॉटम में है पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे स्ट्रांगली साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और यहाँ पे नंबर है 1, 8, 8, 9 और 7। आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकते हैं या फिर आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप अगले 24 घंटों की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं, खुश है बहुत और आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दिल से इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, रीयूनियन करना है, खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक इस वक्त आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगले 24 घंटे की अगर बात करें ना, तो इनके अंदर ना एक अलग सी नेगेटिविटी आती है मुझे दिखाई दे रही है। आपको छोड़ के जहाँ पर भी गए वहाँ पे इतना अटका हुआ महसूस कर रहे हैं ना, चाह कर भी अपने आप को निकाल नहीं पा सकता, ऐसे इनकी फीलिंग्स है जो कि वो निकाल सकते हैं अपने आप को, ठीक है? वो स्ट्रेंथ नहीं जमाते हैं, स्ट्रेंथ जमाने की ज़रूरत है लेकिन नहीं जमाएंगे। नेगेटिविटी अपने आप की जो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है? किसी के ऊपर चिल्लाना, बार बार छोटी छोटी बातों की वजह से झगड़ा करना, इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। आपसे बात नहीं कर सकते, आपको देख नहीं सकते, इसकी वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसी तकलीफ को जो है ना अंदर ही अंदर दबाने की वजह से इनके अंदर जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही होने वाला है अगले 24 घंटों में, इसी तरह से होगा। दिल करेगा बात करने का लेकिन करेंगे नहीं, देखना चाहेंगे आपको लेकिन देख नहीं पाएंगे, तो जो कि गुस्सा इनको अपने आप के ऊपर आ रहा है, ठीक है? अकेलापन, नेगेटिविटी, इनको पूरी दुनिया खुश नज़र आएगी लेकिन जो कि अपने आप को जो है इस तरह से महसूस करेंगे कि पूरी दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा जो दुख मेरी ज़िंदगी में है, पूरी दुनिया में अगर दुख है ना तो सब सारा का सारा दुख जो है भगवान ने मुझे ही दिया है, ये इस तरह से महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? किसी को मुझे हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेटेड किसी दोस्त को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसको कि ये हेल्प कर रहे हैं उसकी लव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि इनको जो है अच्छा सा लेसन मिल चुका है आपके लव रिलेशनशिप से, ठीक है? तो इनको पता है कब क्या करना चाहिए क्योंकि ये उन्होंने सही टाइम पे नहीं किया लेकिन ये सामने वाले को सजेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि राइट गाइड कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे, नहीं, वो उसको बता रहे कि जो मैंने गलती की है वो गलती तू मत कर और तू जो है अपनी लाइफ में जो है इस तरह से अपने प्रॉब्लम को हैंडल कर, इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है? वह जहाँ पर भी गए हैं ना वहाँ से देखो इनका आपके अंदर, आपके यादों के अंदर जो भी आपके रिलेशनशिप का पास्ट है उसी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, याद करेंगे, उसी के अंदर अटका हुआ महसूस करेंगे और सोचेंगे कि क्यों नहीं मैं यहाँ से निकल पा रहा हूँ, क्यों मैं इतनी स्ट्रेंथ नहीं जमा पा रहा हूँ कि मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ उसके लिए एक्शन भी नहीं ले सकता, ठीक है? इतना बेचैनी इनको महसूस होगी और जैसे कि मैंने बोला किसी के ऊपर बेवजह इनसे, इनका किसी से झगड़ा भी हो सकता है बेवजह, ठीक है? और इनके घर में भी जो लोग हैं ना वो लोग भी इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तकलीफ देते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी मैंटेलिटी कम्प्लीट मुझे ख़राब दिखाई दे रही है और बार बार इनको सब कुछ काम धाम को साइड में छोड़ के इनको सिर्फ
और सिर्फ बस बैठे रहना है और आप ही के बारे में सोचना है, इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत इनका दिल करेगा कि आपको कॉल मैसेज करना है, बात करनी है। अगले 24 घंटे ख़त्म होते होते ना इनकी तरफ से मुझे आपके लिए ना हाय हेलो सेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से छोटा सा ऑफर तो आ रहा है आपको। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बड़ा कमिटमेंट आएगा, लेकिन चांसेस है, ठीक है। आप उम्मीद कर सकते हो कि अगले 24 घंटों में ना आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आपकी बात करूँ ना, आपका इस तरह से, अगर इस वक्त की बात करूँ ना, आपने अभी ये वीडियो अभी देख रहे हो ना, इस वक्त आपके दिल में इस तरह से है ना, मुझे पता है इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आने वाला है, और आना है ना तो तू थर्ड पार्टी को छोड़ के ही आ, इसके साथ तो आएगा, मैं तुझे स्वीकार करूंगी नहीं। वैसे भी मैं तेरे बिना रहना सीख चुकी हूँ, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, और अब मुझे अच्छे से आता है अपने आप को संभालना। आप इस तरह से शो करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वक्त की आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। आपका है कि ये जो भी है ना उसको वहीं पे छोड़ और तू बस मेरे पास आ, मुझे सिर्फ तू चाहिए, हम दोनों एक साथ रहेंगे, इस थर्ड पार्टी को मैं देखना ही नहीं चाहती, ठीक है। नहीं तो मैं खुश, मैं अपने लाइफ में, आप जो है मुझे कंप्लीट अपने आप के ऊपर फोकस नज़र आ रहे हो, अपने करियर के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप उसके ऊपर मुझे फोकस नज़र आ रहे हो। आप जो कि अपने आप को मेंटेन करने लगे हो, अपनी मतलब जैसे कि जिम एक्सरसाइज जो कुछ आप कर रहे हो, डाइट को फॉलो कर रहे हो अच्छे से, और आपकी ग्रोथ भी हो रही है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगले 24 घंटों में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे और जो कि अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में आप सोचते रहे हो, आपके पार्टनर के बारे में आप सोचते रहे हो, लेकिन सोच ऐसे रहे हो तू आ मैं तुझे स्वीकार तो करूँगी लेकिन इसको लेके मत आ, तब तक जो है आपको ऐसा भी फील होता है कि ये सब कुछ डिसीजन जैसे कि इनको छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए ना एक शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। इतनी हिम्मत आप कर रहे हो और डिवाइन आपको सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि यस तो आगे जा, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई मतलब रोक ही नहीं सकता आप सक्सेसफुल होने से। इस तरह से डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं और आपकी जो है मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में अगले 24 घंटों में रहोगे, जो कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही है। सिर्फ पॉजिटिव तब होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, उसके बाद जो है इनके अंदर कंप्लीट नेगेटिविटी है अगले 24 घंटों में, जो कि आप कंप्लीट उनके अपोजिट पॉजिटिव एनर्जीज में हो, ठीक है। लेकिन 24 घंटे खत्म होते होते आपका कैसा होगा कि आपको बहुत दिल करेगा कि मुझे इनको कॉल मैसेज करना है, बात करनी, खुद होकर एक्शन लेने का भी दिल करेगा। आपके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा कि मुझे बात करनी है, मुझे जाना है उसके पास। लेकिन यस, ये थर्ड पार्टी से तो आप नफरत ही करते हो, लेकिन फिर भी आपका दिल करेगा, ठीक है। और लेकिन फिर भी आपका दिल करेगा उनको कॉल मैसेज करने का, और ये आपके पार्टनर को फील होगा उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में रहने की वजह से इनको आपके दिल की आवाज़ सुनाई देगी, और फिर हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको हाय हेलो सेंड हो जाए। वाह, कितनी अच्छी एनर्जीज निकल के आई है, बहुत सारे लोगों को मुझे एक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है, वेरी नाइस। आपके पार्टनर नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव इसी वजह से क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हो, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इनकी तरफ से एक्शन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जितने % रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यस, जैसे कि मैंने बोला हाय हेलो आएगा, ठीक है, बड़ा कम कुछ ऑफर आ रहा है ऐसा नहीं बोल रही, जैसे कि आके ही बोल देंगे हम शादी कर दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा मैसेज आने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यस, कमेंट बॉक्स में जो है ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूले, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।